हेलो स्टूडेंट, फॉर इंटरमीडिएट आई एम गोइंग टू टेल यू एन एसे। एसे के बारे में मैं बता रहा हूँ, निबंध कौन सा आ सकता है। तो आज आ विजिट टू अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, आ विजिट टू हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कह रहे किसी ऐतिहासिक इमारत का भ्रमण, कहीं पर किसी ऐतिहासिक इमारत का भ्रमण के बारे में बताइए। तो यहाँ हम आज ताजमहल का भ्रमण करवा रहे हैं आपको। ताजमहल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए आप लोग, द ताजमहल, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कह रहा है सुंदर कोई चीज़ हमेशा आनंद देने वाली होती है। सुंदर चीज़ है जो, वो हमेशा जब भी आप देखते हैं वो आनंद देती है। ये जॉन कीट्स ने लिखा है। हिस्टोरिकल प्लेस हैव स्पेशल अट्रैक्शन फॉर मैनकाइंड, अरे ऐतिहासिक स्थान जो होते हैं वो मानव के लिए विशेष आकर्षण रखते हैं। ऐतिहासिक स्थान मानव के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। फॉर दे टीच अस वाइल दे एम्यूज अस, वे हमें आनंद के साथ साथ शिक्षा भी देते हैं, यानी कुछ सिखाते भी हैं। दे प्रेजेंट बिफोर अस अ पास्ट ग्लोरी एंड एन आर्टिस्टिक सेंस, वे हमारे सामने गौरव, भूतकाल का गौरव और अच्छे अनुभव पेश करते हैं हमारे सामने। यानी ये ऐतिहासिक स्थान जो होते हैं हमारे सामने भूतकाल का गौरव, अर्थात कहने का मतलब कि पिछला जो पिछले समय, पिछले ज़माने में जो लोग थे वो कितने गौरवशाली थे और उनका सेंस माने अनुभव या फिर उनका बुद्धि कितनी अच्छी थी। इन आवर कंट्री देयर आर सेवरल सिटीज, हमारे देश में कई शहर हैं फेमस फॉर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध हैं। आगरा इज एट द टॉप, आगरा जिनमें सबसे ऊपर है, यानी आगरा सबसे प्रसिद्ध है। इट इज़ फेमस फॉर द ताजमहल, और ये ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। आई विथ थ्री ऑफ माई फ्रेंड्स डिसाइड टू सी द ताज एट आगरा, मैंने अपने तीन मित्रों के साथ आगरे का ताजमहल देखने का निश्चय किया। यानी मैंने और अब मेरे तीन दोस्त ने आगरा जाकर ताजमहल देखने का योजना बनाई। नेक्स्ट मॉर्निंग वी रीच्ड द स्टेशन, अगली सुबह हम सब लोग स्टेशन पर पहुँचे। द ट्रेन टू आगरा वाज टू लीव एट 8 AM, आगरा जाने वाली गाड़ी जो थी वो 8 बजे पर जाने वाली थी। देयर वॉज ए ग्रेट रश ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। वेंडर्स वी आर सेलिंग हॉट टी एंड बिस्कुट्स, जो खमचे वाले थे, फेरी वाले थे, वो गर्म चाय बिस्कुट बेच रहे थे। पैसेंजर्स वी आर टॉकिंग, यात्री लोग बातें कर रहे थे। गॉसिपिंग एंड लाफिंग, गपशप कर रहे थे और हंस रहे थे। जस्ट देन द बेल रैंग, उसी समय घंटी बजी एंड द ट्रेन अराइव्ड, और गाड़ी आ गई। ऑल द कंपार्टमेंट्स वेयर पैक्ड, सभी डिब्बे खचाखच भरे हुए थे। सम हाउ वी गॉट गुड सीट, किसी प्रकार हम लोगों ने सीट प्राप्त कर ली। आफ्टर ए कपल ऑफ मिनट्स द इंजन
विशल कह रहे 2 मिनट के बाद गाड़ी ने फिर से सीटी बजाई एंड द ट्रेन स्टार्टेड और गाड़ी चल दी। इन 2 आवर्स वी रीच्ड राजा की मंडी स्टेशन। 2 घंटे में हम लोग राजा की मंडी स्टेशन पर पहुंच गए। आगरे का ये स्टेशन है, उसका नाम है राजा की मंडी। फ्रॉम वेयर वी हायर्ड अ तांगा, जहाँ हमने एक तांगा किराए पर लिया एंड रीच्ड द ताज और ताजमहल पहुंच गए। बहुत जल्दी पहुंच गए। वी परचेज्ड आवर टिकट्स एंड एंटर्ड थ्रू द मेन गेट, हमने टिकट ख़रीदा और मेन दरवाजे से होकर के प्रवेश किया। देयर वी सॉ 2 ग्रैंड लॉन, घुसते ही हमने 2 विशाल मैदान देखे, लॉन। इन बिटवीन देम देयर वाज ए लॉन्ग पासेज, और उन दोनों मैदानों के बीच में एक लंबा रास्ता था। वी क्रॉस्ड द पैसेज एंड सॉ द मेन बिल्डिंग, हम लोगों ने उस रास्ते को पार किया और मुख्य बिल्डिंग अर्थात ताजमहल दिखाई दी। इट वॉज बिल्ट बाई शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन, यह शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था उसकी प्रिय पत्नी की यादगार में, प्रिय रानी की यादगार में बनवाया गया था। हुज नेम वॉज मुमताज महल, जिसका नाम मुमताज महल था। द ताज इज नेम्ड आफ्टर हर नेम, ताजमहल का नाम उसी रानी के नाम पर रखा गया, यानी मुमताज महल के नाम पर ही ताज का नाम रखा गया। द ताजमहल इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल संसार की सबसे सुंदर इमारतों में से एक है। इट इज अ मास्टर पीस ऑफ आर्ट, यह कला का प्रमुख बिंदु है। एंड आर्किटेक्चर, कला और शिल्पकारी का प्रमुख नमूना है। इट स्टैंड्स इन आगरा ऑन द राइट बैंक ऑफ द यमुना, यह यमुना के दाहिने किनारे पर आगरे में स्थित है। इट इज मेड ऑफ वाइट मार्बल्स, यह सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इट इज बिल्ट ऑन ए रेड प्लेटफॉर्म, और ये लाल चबूतरे पर बना हुआ है, रेड प्लेटफॉर्म पर वाइट मार्बल का बना हुआ है। ऑन ईच कॉर्नर ऑफ इट देयर इज ए टाल मीनार, इसके प्रत्येक कोने पर एक लंबी मीनार है, यानी चारों कोने पर 4 मीनारें हैं। इट्स परफेक्ट प्रोपोर्शन एंड एक्सक्विसाइट क्राफ्ट मैनशिप हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ए विजन, इसका पूर्ण प्रोपोर्शन माने अनुपात और ठीक ठीक इसकी शिल्पकारी इसका वर्णन करती है एज ए विजन, देख करके, यानी देख करके अ ड्रीम, एक सपना प्रतीत होता है, अ वंडर आश्चर्य लगता है, यानी इसकी शिल्पकारी को, इसके अनुपात को, बनावट की डिजाइन को देख करके एक अद्भुत और सपना जैसा प्रतीत होता है। इन ऑल 28 टाइप्स ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, 28 प्रकार के अद्भुत प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस बहुमूल और कुछ कम बहुमूल पत्थर वेयर यूज्ड, प्रयोग किए गए थे इन इट्स कंस्ट्रक्शन, इसके निर्माण में, 28 प्रकार के प्रीशियस और सेमी प्रीशियस माने अद्भुत और थोड़े कम अद्भुत ये पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। द मार्बल वाज ब्रॉड फ्रॉम राजस्थान, जो संगमरमर है वो राजस्थान से लाया गया था। द जारपेर फ्रॉम पंजाब, और जारपेर पंजाब से लाए गए थे। ये जारपेर क्या है, ये जारपेर माने जो डिजाइन वाली कारीगरी है उसकी बात है, ये पंजाब से लाए गए। द जेड एंड क्रिस्टल फ्रॉम चाइना,
ये जेड और क्रिस्टल, क्रिस्टल माने ये नग वगैरह हैं, नग और जेड जो कारीगरी में छोटे छोटे लगाए गए थे वो चाइना से मंगाए गए थे। द टर्कीज फ्रॉम तिब्बत, और ये टर्कीज जो नीले रंग का रत्न है, ये टर्कीज ये तिब्बत से मंगाए गए। द लेपीज फ्रॉम अफगानिस्तान, और ये सभी नग हैं, इनको हम लोग हीरे मणि पत्थर जो कहते हैं, मणियों के पत्थर, उनके नाम हैं। तो ये लेपीज अफगानिस्तान से मंगाया गया। द सैफ्रीज सैफीर फ्रॉम श्रीलंका, और ये सफारी जिसे हम लोग कहते हैं ये श्रीलंका से मंगाया गया। एंड द कार्नेलाइन केम फ्रॉम अरबिया, और ये कार्नेलाइन ये सभी हमने बताया ये सब पत्थर हैं, स्फटिक इसका नाम है, स्फटिक पत्थर, ये अरब से मंगाया गया था। दिस सबलाइम गार्डन टॉम्ब, और ये सभी सामान गार्डन टॉम्ब एन इमेज ऑफ द इस्लामिक गार्डन ऑफ पैराडाइज कॉस्ट नियरली 32 मिलियन रुपीज, और ये स्वर्ग पैराडाइज माने स्वर्ग का इस्लामिक गार्डन की ये इमेज ऊपर जो टॉम्ब बनाई गई इसकी, इसका जो टॉम्ब बना है वो इसको इस्लामिक गार्डन का मूर्ति है ये, और ये स्वर्ग का गार्डन जैसा लगता है। इसकी कॉस्ट जो है नियरली 32 मिलियंस रुपीज़, 32 मिलियंस रुपीज़ है इसकी कॉस्ट। एंड 5 किलो, और 5 किलो जी क्या है, 5 किलोस 1102 IBS ऑफ गोल्ड, अबाउट 20,000 वर्कर्स। अच्छा ये जो 5 किलो है ये इसका कह रहे हैं कि ये इस एक नंबर का जो इतना सोना होता है उसकी जो कीमत है उसके बराबर जो इसकी कीमत है, और अबाउट 20 नहीं, इसका मतलब ये था, फिर से देख लीजिए, कि इसकी कीमत जो है 32 मिलियंस रुपीज़ और 5 किलो सोना, यानी 5 किलो सोना और उसमें जोड़ दें 32 मिलियन रुपीज़ और 5 किलो सोना, शुद्ध सोना, इसकी कीमत इतनी कीमत है इसकी। अबाउट 20,000 वर्कर्स, लगभग 20,000 वर्कर्स ने, मजदूरों ने काम किया। एंड 1,000 एलिफेंट्स लेबर्ड, और 1,000 हाथियों ने काम किया। फॉर 22 ईयर्स, 22 साल टू कम्प्लीट इट इन 1643, और इस प्रकार से ये 1643 में बनकर तैयार हुआ, 22 साल में बनकर तैयार। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ब्यूटी ऑफ ग्रैंडर इट इज कॉल्ड वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसकी सुंदरता शान शौकत के कारण इसको संसार के 7 आश्चर्यों में से एक कहा जाता है, ये संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। There are several fountains, इसमें कई झरने हैं। Many green lawn, कई हरे हरे मैदान हैं। With cypress trees, और अद्भुत बढ़िया बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं। And all kinds of bright flowers, हर प्रकार के सुंदर फूल हैं। On the gate of the main building, मुख्य बिल्डिंग के गेट पर द वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान आर इनग्रेव्ड, कुरान की कुछ आयतें इसमें दरवाजे पर लिखी हुई हैं, कुरान की कुछ आयतें हैं जो दरवाजे पर लिखी हुई हैं। अब यहीं तक आप करिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा जो रह गया है वो कल बताऊंगा। थैंक यू।